राज्यरे प्रबल वर्षा प्रभावरे बन्या आशंकाकु दृष्टिरे रखि सजाग हेला जल संपद विभाग। उपकूलवर्ती जिल्लागुडिकु जल संपद विभाग पक्षरु करागला अलर्ट। विशेषकरी कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, ढेंकानाल, अनुगुल, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर भली जिल्लाकु अधिक फोकसरे रखाजाइछि। आज सकाळ 8:00 रु आसंता काली 8:00 भितरे आमर कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा एवं अनुगुल, ढेंकानाल रो किछ एरिया आमर वर्षा हे, तेणु तार आखपाख किसी जिला गुड़ाक ठाए वर्षा हे बोली आकलन होती। काली सकाळ ठारू ता पर दिन पर्यंत सेठी मध्य पूरा मयूरभंज तो आरंभ कर बालेश्वर, भद्रक, देन केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोर्धा यू होती। जल संपद विभाग से संभाव्य वर्षापाई पूरा प्रस्तुत होकर रही। शुणु आमर वर्तमान कोस्टल रो सबू जिला आम आलर्ट कर रखी। परिस्थिति को दृष्टि रखी कौन से ऑफिसर हेडक्वार्टर छाड़ जापारे ना निर्देश दिया दि जाए। किसी स्थान में नुआ ऑफिसर को दायित्व दिया दि जाए। कंट्रोल रूम खोला जाए। समस्त अधिकारियों को कहा जाए से माने नदीबंध गुड़िक पेट्रोलिंग करने जांच करेंगे। सबु जलभंडारे जलस्तर कम थिबारु बड़धरणर बन्या आशंका वर्तमान सुधा ना मात्र फ्लाश फ्लड आशंका रही। जहां दृष्टि रखि राज्यर दुर्बल या 20 नदीबंध प्रति अधिक गुरुत्व दिजाऊ। जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री प्रतिक्रिया रखिज। चलित वर्ष केवल पुरी में बिना भक्त हेब महाप्रभु रथयात्रा। राज्य अन्य सब मंदिर में रथयात्रा बंद रहिबो। पुरी में कोविड कटकणा भितर रथयात्रा अनुष्ठित हेबो। गत वर्ष भली केवल सेवायत माने रथयात्रा रे शामिल हेबे। जो सेवायत माने रथयात्रा रे शामिल हेबे सेमाने दुई थर टीका नै सारिबा आवश्यक किंबा 48 घंटार आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट थिबो सेमानक पाथे। साडो मासरे ए वर्ष जोटा कि आमे रथयात्रा हुए महाप्रभु रथयात्रा हुए एवं ए वर्ष जुलाई 12 तारीख दिन आमर श्रीजगन्नाथ महाप्रभु रथयात्रा अनुष्ठित हो। साधारण वर्षरे श्रीजगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिर तथा राज्यर विभिन्न मंदिर रथयात्रा अनुष्ठित हुए किंतु गत वर्ष कोविड संक्रमण परिस्थिति रे कोविड संक्रमण परिप्रेक्षी जनस्वास्थ्य को आखिरे रखी गत वर्ष राज्यर विभिन्न मंदिर केवल पुरी श्रीजगन्नाथ मंदिर को छाड़देले राज्यर अन्य समस्त मंदिर रे रथयात्रा बंद करा जायथला रथयात्रा पालन करा जाय नथला। एवं गत वर्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट मध्य रथयात्रा संपर्क रे एक विशेष आदेश देथले जो आदेश बल रे केवल पुरी श्रीमंदिर रे अत्यंत भीषण कटकणा मध्य रे रथयात्रा करिया पे निर्देश देथले। जो कटकणा अनुसार कौन सी भक्त रथयात्रा भाग नहीं पारे ना मंदिर भितर को भक्त मैंने प्रवेश करें मंदिर जो नीतिकांति अच्छी से भक्त मैंने सामिल हो पारे ना। गत वर्ष भले कोविड कटकणा रे रथयात्रा करा जिवो बोली एसआरसी सूचना देछंती। रथयात्रा समय पुरी रे कर्फ्यू लागिवो। ट्रेन किंबा बस रे रथयात्रा समय पुरी को लोकमाने आसी पारबे नाही। कर्फ्यू समय अत्यावश्यक सेवा जारी रहिबो। सेभले एसआरसी कहिछंती अन्य मंदिर मानकरे केवल मंदिर भितरे ही नीतिकांति होई पारबो। गुरुतर कोविड रोगीों पर आसला भल खबर। भुवनेश्वर एम्स में स्थापन हो दुईट इक्मो मशीन। इक्मो मशीन किणवाई अर्डर दिशा खूब शीघ्र यार स्थापन पर व्यवस्था करम्स अधीक्षक डॉक्टर सच्चिदानंद महांती सूचना देते। एम्स भुवनेश्वर वर्तमान किसी अध्यापक इक्मो मशीन परिचालना तालीम प्राप्त अच्छा सामान कार्य करने अनुष्ठान अधिक टेक्नीशियान निजुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर। भुवनेश्वर कैपिटल हस्पिटाल इक्मो स्थापन करा जिवो। इक्मो मशीन किणवाई एम्स प्रक्रिया आरंभ होई। सीएसआर पांठि जरिया रे एही मशीन किणा जिवो बोले सूचना देछंती स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास। बात्या यस प्रभावित कृषकों पर मुख्यमंत्री पैकेज घोषणा। 33% वाठू अधिक फसल क्षति सहित छोट और नाममात्र चाषीों पर इनपुट सहायता। 33% अधिक क्षति सहित छोट नाममात्र चाषीों स्वल्प मियादी ऋण मध्यम मियादी ऋण को परिवर्तन करा जाई। 33% अधिक क्षति सहित फसल पर अण जलसेचित अंचल छोट और नाममात्र चाषी को हेक्टर पिछा 6800 टंका सब्सिडी दिया जिवो।
जलसेचित अंचल हेक्टर पिछा 13,500 टंका समस्त प्रकार सबुदिनिया फसल पर हेक्टर पिछा 18,000 टंका इनपुट सब्सिडी दिया सबुदिनिया फसल पर चाषी मानक सर्वनिम्न 2,000 टंका अन्य फसल पर सर्वनिम्न 1,000 टंका इनपुट सब्सिडी मिल तेज दुधियाली क्षतिग्रस्त मत्स्य चाषी डंगार मरामती 4,100 टंका लेखाएं माछधरा जाल मरामती 2,100 टंका लेखाएं सहायता घोषणा से हस्तंत और हस्तशिल्प क्षतिग्रस्त कारीगरों उपकरण पर 4,100 टंका प्रदान करा जाए। राज्य में 24 घंटे 6,097 पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटाइन केन्द्र 3,446 एवं लोकल केस आसी 2,651 पुणी थे कोरोन सर्वाधिक 1,017 पॉजिटिव चिन्हट होती खोर्धारु कटकु 647 पॉजिटिव चिन्हट जाजपुर 434 पॉजिटिव बालेश्वर 392 मयूरभंज 297 अनुगुल 295 भद्रक 246 चिन्हट होती पुणी थे 44 मुंड नहीं महामारी देश में कोरोना संक्रमण कमिबार लगी 4,00,000 ट्रेंड पर दैनिक आक्रांत संख्या 2,00,000 और एवं 1,00,000 तौक खसी भितर गत 24 घंटा भितर देश में 1,00,000 कम कोरोना संक्रमित चिन्हट होता बेले 6,148 जन मृत्यु होती स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट हिसाब से 24 घंटे 9,452 आक्रांत होती देश में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 6,000 टपि जा 24 घंटे 6,148 जन मृत्यु घटे कोरोनार तृतीय लहर शिशुं अधिक क्षतिकारक होइपारे बोली आशंका करा दउछि ताकु दृष्टि रे रखी सरकार शिशुं चिकित्सा संबंधित गाइडलाइन जारी करिसेंती डीजीएसएस हिसाब रे 5 वर्ष तळकु पिला माने मास्क पिंधि पारिबे नाहीं स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु शिशुं रेमडेसिविर इंजेक्शन न देबा पई परामर्श दिया जाइछि चिकित्सा समय रे स्टेरॉइड व्यवहार सठिक समय रे एवं सठिक परिमाण रे आवश्यक बोली कहा जाइछि एथिस सहित डाक्टर परामर्श बिना स्टेरॉइड कोनोसी दिजो ना एंटीबायोटिक व्यवहार नक गाइडलाइन में कहुई सीटी स्कैन को संपूर्ण भाव में बारण कर सामान्य कोरोना लक्षण में कम डोज्र पारासीटामल व्यवहार करोनार तृतीय लहर आसवर संभावना थे शिशुं अधिक प्रभाव पकईपे विशेषज्ञ कहते जहां दृष्टि रखी सरकार पक्ष प्रस्तुति कार्य एवं जोरसोर चलती सेपटे 18 वर्षर कम पिला ब्लाक फंगस रक्षा करने को निर्देशावली जारी करा स्वास्थ्य मंत्रालय हिसाब से म्यूकोमाइसीसिस एक गुरुतर फंगल संक्रमण तेणु स्टेरॉइड अत्यधिक व्यवहार करने कर्कट स्टेम सेल प्रतिरोपण सहित मधुमेह नियंत्रण न होते संक्रमण देखा मिली केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन में कही म्यूकोमाइसीसिस चिकित्सा आरंभ करने टेस्ट फलाफल को अपेक्षा करूँ ना कारण यह जरूरीकालीन परिस्थिति कहुपे जो एम्फोटेराइसिन बी दिजना से पेस्कोनाजोल दिज नुआ आईटी नियम को नहीं केंद्र सरकार और सोशल मीडिया साइट भितर मुहांमु परिस्थिति उपजी एवं किंतु सोशल मीडिया साइट धीरे धीरे केंद्र नियम मानवा को राजी हेले ट्विटर आईटी नियम को मानवाई प्रस्तुत अच्छी तेरे कंपनी पक्ष सरकार को चिठी लिखि कहुई नियम हिसाब से मुख्य अनुपालन अधिकारी निजुक्ति प्रदान केन्द्र सरकार ट्विटर को नियम न मानिले कड़ा पदक्षेप नि चेतावनी दीजाई यापर कंपनी आईटी नियम मानवाई राजी होता एलपीजी ग्राहकों पर बड़ खबर एवं ग्राहक निष्पत्ति ने से क्यों डिस्ट्रीब्यूटर एलपीजी रिफिल कराइबे केन्द्र मोदी सरकार एलपीजी ग्राहकों बड़ आश्वस्ति प्रदान कर बड़ निष्पत्ति प्रथम पर्यायर चंडीगढ़ कोयंबटूर गुड़गांव पुणे रांची में यह योजना आरंभ हो यापर देशर अन्य सब स्थान में योजना खूब शीघ्र आरंभ हो केन्द्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पक्ष सूचना दीजाई नुआ योजन एसपीजी ग्राहकों डिस्ट्रीब्यूटर चयन करने पूर्व रेटिंग देखार विकल्प मिल एलपीजी रिफिलिंग करने समय यह विकल्प ग्राहकों मिल बजार में सावित्री भिड़ पर कमिश्नरेट पुलिस निद भांगा रज से भिड़ न हुए से स्वतंत्र पदक्षेप ग्रहण करमिशनरेट पुलिस
एथिपाई जने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दायित्व मध्ये दिया जायछि। सेबळे एक स्वतंत्र टीम गठन करा जायछि। पुलिस कमिश्नर सोमेंद्र प्रियदर्शी बाबदरे सूचना दैछन्ति। एबे बाजार रे अमान्य को जगिव पुलिस। अमान्य होई दुकान खोलिले सील मध्ये करा जइबो। आवश्यक पड़िले दुकानी को गिरफ करा जइबो। रज पर्व पई जदि कोनोसी दुकानदार पछपटे बा गोळा बाटरे नुआ लुगापटा बिक्री करिवा को चेष्टा करिवो ता विरुद्ध रे हमें कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवो। दुकान सील करिवो आउ ये प्रक्रिया हमें आरंभ करिवो। सोशल डिस्टेंसिंग एवं भिड़ न जमेवा आम पई सबुतु गुरुत्वपूर्ण। तेणु आमर एथिपई आजिठू स्वतंत्र बंदोबस्त करिछु। आमर पीसीआर मोबाइल इको मोबाइल सबु आईआईसी सबु एससीपी एडिशनल डीसीपी डीसीपी समस्त कड़ा निर्देश दिया जाएगी। से माने पेट्रोलिंग को आहुरी कड़ाकड़ी करेंगे एवं विशेषकर जो मार्केट रे भिड़ अधिक परिलक्षित होता है से मार्केट प्रति विशेष दृष्टि देवे। किंतु सबुठ बड़ कथा रही जनसाधारण सहयोग। सावित्री व्रत पई राजधानी रे पुलिस रो स्पेशल ड्राइव। बाजार को गाड़ी नहीं आसीबा हेबा महंगा। एक नंबर मार्केट रे कमिश्नरेट पुलिस रो जांच। हाट रे बुले बुले लोकों को बुझेबा स अमान्य को थारु फाइन कटा जाइछि। हाट को गाड़ी नहीं आसीथिबा अमान्य लोकों को थारु फाइन काटुछि पुलिस। प्राय 30 जण अमान्य को पाखरु फाइन आदाय करा जाइछि। आज होछि पवित्र सावित्री अमावास्या। भारतीय परंपरा हिसाब से प्रत्येक सधवा महिला माने व्रत को पालन करिथांति। स्वामीकर उत्तम स्वास्थ्य दीर्घ आयुष कामना करी ज्येष्ठ मास अमावास्या रे व्रत पालन करा जाए। आजीवन सधवा रहबा पई नारी माने सावित्री जमदेव एवं सत्यवान को पूजा करिथांति। सावित्री व्रतधारी महिला माने नुआ साड़ी चूड़ी फलमूल पूजा सामग्री धरी मंदिर को जाइथांति एवं पूजा करंती। किंतु कोरोना पई चलित वर्ष मंदिर रे भीड़ को दृष्टि रे रखी कटकणा लगाइछंती सरकार। कटकणा सत्ते पूजा पई किछि मंदिर रे लंबा लाइन लागिथिबा देखिबा को मिलछि। ओडिशा छुईला मौसुमी। आज उपकूल ओडिशा छुई दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु। आगामी 48 घंटा भितर सारा राज्य को मौसुमी छुईब बोली सूचना दिया जाइछि। तबे मौसुमी सक्रिय करने नहीं पाग अनुकूल थिबा पानीपाक केन्द्र पक्षर सूचना। लघुचाप जो आज वर्षार मात्रा बढ़ किसी स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही। साउथ ईस्ट मनसून ओडिशा में पहुंचा है। साउथ ओडिशा का कुछ डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट का पोर्शन में हुआ है जैसे मलकानगिरि कोरापुट नवरंगपुर रायगढ़ कालाहांडी नवापड़ा गजपति गंजाम। ये 8 डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर हो गया है। और बड़ागढ़ बलांगीर सोनपुर बोध कंधमाल नवागढ़ खुर्दा पुरी ये सब डिस्ट्रिक्ट का कुछ पोर्शन में हुआ है। मेनली बलांगीर से पुरी तक जो एक लाइन खिसले से इसका साउदर्न में पोर्शन हो गया है। नॉर्दर्न पोर्शन बाकी है और जो पोर्शन में अभी बाकी है वह रिमेनिंग है। रिमेनिंग पोर्शन अगला 48 घंटा में कवर होने का चांसेस है। कल का साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा ईस्ट सेंट्रल एडजनिंग नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में था। वो अभी नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में है। मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक इसका हाइट है और इसका प्रभाव में अगला 24 घंटा में लघुचाप व लो प्रेशर नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में होने का चांसेस है। कर्कट रोगी गहन में जन्मदिन पालन कले कटक युव समाजसेवी सत्यजित साहाणी। आचार्य हरिहर कर्कट केन्द्र में रोगी को फल बंटन कर दिवस पालन कर। वर्तमान कोरोना महामारी जारी रही आडंबरपूर्ण भाव में निज जन्मदिन पालन करना निराश्रय असहाय लोकों भितर रहा दुख बुझा भगवान आहुरी सहाय हूँ सत्यजित कहते। आसाम राज्य में ओडिया पुओंकर कमाल। विश्व परिवेश दिवस उपलक्षे शॉर्ट फिल्म द लास्ट विंडो थॉट फॉर ऑक्सीजन प्रदर्शन करा जाएगी। चतुर्थ स्थान अधिकार करिछंती कटकर शिवप्रसाद परिडा। आसाम रो जोरहट केंद्रीय महाविद्यालय में विश्व परिवेश दिवस अवसर में आयोजित यह शॉर्ट फिल्म प्रदर्शन कार्यक्रम में से भाग नहीं। 5 मिनट 10 सेकेंड रे शॉर्ट फिल्म को मात्र 2 दिन में प्रस्तुत कर। जाजपुर केन्दुझर भली अनेक जिलार चित्र एथिरे रही। एक्चुअली ये फिल्म ऑनलाइन ले देखला परे मुझे चेष्टा कले निहाती एटा करबी लॉकडाउन में से लॉकडाउन चलते मत 2 दिन मध्य आपण को जाजपुर केउंझर और ढेंकानाल सफा जंगल भितर आर नेचुरल शॉट गुरा नहीं थी। एथिरे मते साहय करते मोर पुतुरा तृप्ति रंजन परिडा और ग्राफिक्स आर्टिस्ट है देवरंजन पात्र त्रिपाठी देवरंजन त्रिपाठी और मोर सांग सहपाठी विभु बेली
ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 2022 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଁ ମୋର ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ତା ଦେହରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। कोविड नियम को फोर नियाली ब्लॉक पहंगा ग्राम पंचायत पहंगा गांव में खुलमखुला चली सावित्री पूजा। कोरोना पर चलित मस 7 तारीख 14 तारीख पर्यंत पहंगा गांव को कंटेनमेंट जोन घोषणा करेठार किंतु पूजा अर्चना जोरसोर चली। कोविड नियम को उड़ाई देखते मंदिर में पूजा पर लोक भिड़ जमाई। आईरन बोझे ट्रक ड्राइवर बेपरुआ जो चलीगला स्कूल छात्र जीवन। तेज मयूरभंज जिला रायरंगपुर थाना पुराणापाणी गांव निकट में घटी दुर्घटना। साइकिल रे जाउथवा समय ट्रक धक्कारे घटना स्थल रे ही पिलार मृत्यु होई। मृत बालक ताबलबंध गांव सुमंत गिरी पुओ ओम श्री गिरी होता सूचना रही। ड्राइवर को बेपरुआ गाड़ी चलना पर एमती एक दुर्घटना घटीगला। बालेश्वर खैरा थाना तुटो गांव में नाबालिका को भुजाली रे आक्रमण करा जाई छी। ट्यूशन जीवा समय रे नाबालिका मरणांतक आक्रमण कला दुर्बृत्त। नाबालिकार मुंड एवं बेकरे गंभीर मात्रा रे आघात लगी। से गुरुतर अवस्था रे रास्ता रे पड़ जाइले। खबर पाइबा परे परिवार लोक गुरुतर नाबालिका को संगे संगे खैरा मेडिकल भर्ती करथिले। तांकर अवस्था संकटापन्न हेबारु तांकु भद्रक मेडिकल को स्थानांतर करा जाई छी। अनपटे अभियुक्त युवक को पुलिस गिरफ करी छी तदंत आरंभ करछि। मो झियो ट्यूशन को सकाळे जीवा बेले ताकु से आमर संपे आ तुट भितर गोटे पड़िया रही सारे गोटे लोक लुचिक रही से पिलाटे से ताकु हणा धरिकी हणाहुणी करी हणाहुणी कर सारापर से पकईदे से पलि मुझे आम भाई मानक नहीं आम खैरा मेडिकल को आनलु आउ खैरा थाना एफआईआर भी देचु आउप मेडिकाल खैरा मेडिकाल पुणी पठे भद्रक आम थाना को ये कहूँ से आम कथा टी बुझु ता ना हूँ पप्पू दास रविदास पुओ। सुंदरगढ़ जिला राजगंगपुर थाना अंतर्गत विजु एक्सप्रेस वेर जामपाली छक निकट में मलबंधुत सड़क दुर्घटना। दुर्घटन जनकर मृत्यु दुईज आहत होती। बाइक आरोही जामपाली राजगंगपुर आसुवा बेले विपरीत दिग्वर आसुवा एक कार धक्का देता फल घटनास्थल में ही बाइक आरोही प्रवीण पांडे मृत्यु। दुर्घटन कार्य दुईज आहत होती। चिकित्सा राउरकेला सरकारी डाक्तखाना पठे दी। अनुगुल जिला निशा स्थित जेएसपीएल कंपनी रे कार्यरत श्रमिकों मृत्यु। मृतक जनक होती मालिब्राणी गांव गोलक प्रधान। से कम कर समय हठात असुस्थ हो पड़े मेडिकल भर्ती कर मात्र किसी समय पर ही मृत्यु है। मृतदेह को अनुगुल मेडिकल पठा निया समय रे गेट सम्मुखे आंबुलांस अटकई ग्रामवासी धारण में बसवास क्षतिपूरण दावी करते। सेपटे घटनास्थल में निशा इंडस्ट्रियल पुलिस पहुंची लोकों को बुझासुझा कर। शासक दल समर्थकों गुंडागिरी अभियोग। वीएलडब्ल्यू को मरणांतक आक्रमण कर पट्टामुंडाई ब्लॉक बलुरिया पंचायत वीएलडब्ल्यू अनंत विश्वाल पर आक्रमण जो बीजेडी समर्थित सरपंच प्रतिनिधि और किसी कर्मी हाथ अभियोग। अनंत घर केन्द्रापड़ा जिला आली थाना चंदननगर गांव में अनंत गत 6 तारीख सका मर्निंग वॉक में जा समय आक्रमण शिकार होते। मर्निंग वॉक आज आम घर पाखंड मैंने निरला पचर मोर दुटा बैक शब्द शुभला देखीदे बेलू तीन जन हाथ में तीन टा ठेका आुजाली आउ दीज ठियाई सडन किसी विचित्र विलास आउ रवींद्र महांती ये दुईज आसी निर्देश दे जीवन मारिक शेष कर दि जहा मु बुझी तापर से मत बाड़े प्रबल बाहर कले मो हाथ भांगी जाइए गोड़ भांगी जाइए मो जीवन विकल से पानी थला पानी की डेई पार बचीगली कौन प्रकार तापर मत महु लोक गाड़ी खबर पाई आसी गाड़ी उठे आँचे।
जून 24 महाप्रभुं देवस्नान पूर्णिमा से रथकला बेश चलचंचल। देवस्नान पूर्णिमा दिन तीन रथर चारि नाहाका उठिबार विधि विधान रही चारि नाहाका काम शेष हो जाइछि। अनपटे 42 गोटी चक भितर 40 गोटी चकर निर्माण शेष हो जाइछि। बाकी दुईटी चकरे सिंगड़ा बाड़िया शेष हो अररे पही संजोग चलती। नंदीघोष और तालध्वज रथर 9टी लेखाए दंडार चौपट कार्य चलता बेले सुभद्रा रथर 7टी दंडा को चौपट कराया।